हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर। तो जिन्होंने सी पढ़ना बिल्कुल बिगनिंग में स्टार्ट किया है एज अ बिगिनर हो, तो उन्होंने अपने सीनियर से सुना होगा कि पॉइंटर बहुत टफ टॉपिक होता है सी प्रोग्रामिंग का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंटर भी उतना ही ईजी टॉपिक है जितना कि बाकी टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपने आप पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। तो मैंने लास्ट जो वीडियो इस वीडियो सीरीज में बनाया था वो था एरे ऑफ स्ट्रक्चर पर बेस्ड, और उससे पहले मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। तो हम इस वीडियो सीरीज में अभी तक इफ एल्स लूप, एरे, स्ट्रिंग, 2D एरे, 3D एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है पॉइंटर, और पॉइंटर में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने मेंशनड है। तो एक एक करके मैं ये सारे पॉइंट आपको थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, जिससे पॉइंटर जो कि बहुत टफ टॉपिक माना जाता है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर के दो वीडियोज हैं, एक तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 22 एंड एक वीडियो और होगा जो लेक्चर नंबर 23 है, तो दोनों को देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ पॉइंटर बताऊंगा, एंड अगले वीडियो में हम पॉइंटर को एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर के साथ यूज करना सीखेंगे। एंड कोई भी डाउट होता है, जैसे ही आप वीडियो देख रहे होते हैं और कंप्लीट हो जाता है और आप कोई भी डाउट मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरी डिटेल्स हैं, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं और आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, और उसको इजी बनाने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट जो लिंक है वो इसी वीडियो सीरीज का लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर। सो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली पॉइंटर होता क्या है, तो एक दो थियोरेटिकल स्लाइड्स के बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है, बट पॉइंटर जो स्टोर करता है वैल्यू, वो वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होती है। तो एड्रेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब हम वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियोस में, कि हर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है, और जब भी कंप्यूटर में किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है तो उनको कुछ एड्रेसेस भी मिलते हैं। तो अब अपन वेरिएबल को अगर कंपेयर करें अपने घर से, तो ये चीज अगर अपन पिछले जो वेरिएबल्स हमने बनाए उनसे भी रिलेट करें तो आप उसको इजीली समझ पाओगे कि जो अपना घर होता है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, और घर का एक एड्रेस होता है, तो सिमिलरली जो वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं उनका भी एड्रेस होता है। अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी फ्रेंड को बोलते हैं कि आपके घर पर आए, कोई पार्टी वगैरह आप प्लान करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, वो आपसे लैंडमार्क पूछता है, जिससे कि आपके घर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इजी हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंटर वही लैंडमार्क की तरह काम करता है। कि अगर कोई लैंडमार्क है, जैसे आपके घर के बाहर कोई बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एरो बना हुआ है और उस पे आपके जो कॉलोनी के बिगिनिंग और एंडिंग घर के नंबर्स हैं वो मेंशनड है, तो वो एरो बेसिकली क्या करेगा, पॉइंटर का काम करेगा। तो जो बंदा उस एरो तक पहुंच गया, उस बोर्ड तक पहुंच गया, वो आपके घर तक भी इजीली पहुंच जाएगा। तो सिमिलरली अगर अपन किसी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर देते हैं तो हम पॉइंटर के थ्रू भी उस वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा पिक्टोरियल डायग्राम देख लेते हैं अपन पहले। तो लेट सपोज ये अपना एक वेरिएबल है ए। ठीक है, ये उसका एक मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दिया 5। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंट ए इक्वल्स टू 5। तो जब ये वेरिएबल डिक्लेयर आप करते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5, तो मेमोरी में बेसिकली ये पिक्चर जनरेट होता है, एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर होती है 5 बाइनरी फॉर्म में, उस ब्लॉक का नेम असाइन हो जाता है ए, क्योंकि हमने ए यूज किया, अगर कोई और नेम यूज करेंगे तो वो मिलेगा, और उस मेमोरी को कुछ एड्रेसेस एलोकेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। तो अगर इंट है, फ्लोट है, कैर है, तो सबको अलग अलग साइज ऑफ मेमोरी मिलती है, तो जितने बाइट्स मेमोरी के एलोकेट होंगे उतने ही एड्रेस मिल जाते हैं। तो आप कहोगे कि मैंने एक एड्रेस ही क्यों लिखा है, तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बिगिनिंग एड्रेस है, जिसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, अब अगर ये इंटीजर है, इंटीजर को 16 बिट कंपाइलर पे 2 बाइट मिलते हैं और 32 बिट कंपाइलर पर 4 बाइट मिलते हैं,
तो अगर आप 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो ये दो एड्रेस होंगे 101 102, एंड अगर 32 बिट कंपाइलर है तो 4 बाइट मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे 101 102 103 एंड 104। ठीक है, तो मैंने बिगिनिंग एड्रेस मेंशन कर दिया जिससे आगे वाले एड्रेस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंड एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया है, अभी मैं आपको एड्रेस प्रिंट करके ही बताऊंगा तो वहां पे कोई और वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा मेमोरी लोकेशन हमें मिलेगा, तो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं अगर आपको एक ड्रॉइंग क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये ए वेरिएबल के लिए है, और जो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं ये पॉइंटर के लिए है, तो वो अभी और एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको ये जो ए वेरिएबल है इसका मेमोरी मैप समझ में आ गया होगा। अब पॉइंटर बनाने के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है, int asterisk p, इट इज नोन एज पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो नीचे लिखा हुआ है here p is a pointer which can store address of an integer type variable। ठीक है, तो इंटीजर पॉइंटर है तो आप कोशिश करो कि इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड करो ताकि प्रॉपरली कैलकुलेशंस हो पाए। अगर आपको फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कराना है तो पॉइंटर का टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल का जो टाइप है और पॉइंटर का टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये पॉइंटर डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में पहुंचेगा कैसे, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट है p इक्वल्स टू m परसेंट a, तो m परसेंट इज असाइनिंग एड्रेस ऑफ a इनटू p। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो m परसेंट a लिखा हुआ है, m परसेंट a का मतलब है a वेरिएबल का जो बेस एड्रेस होगा वो किसको मिल जाएगा, p पॉइंटर को। तो वापस इस डायग्राम पर आते हैं, देखो a वेरिएबल का एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस 101, वो किसको मिला, p को। तो p की वैल्यू क्या बना, एड्रेस ऑफ a, और ये p का खुद का एड्रेस है, क्योंकि p भी एक वेरिएबल है तो उसको भी मेमोरी चाहिए होगी वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो p का खुद का नाम इस मेमोरी लोकेशन के लिए यूज किया गया और ये उसका एड्रेस है, बेस एड्रेस। बट p की जो वैल्यू है वो किसका एड्रेस है, a का। तो अब अगर कोई p तक पहुंच गया तो p के पास 101 है, तो p के थ्रू आप 101 तक पहुंचेंगे, और अगर आप 101 पर पहुंच गए तो आप उसकी जो वैल्यू है 5 उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपके पास में किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आज तक आप और हम हर प्रोग्राम में यूज करते हुए आ रहे थे वो था वेरिएबल का नाम। तो ये जो लोकेशन है, जो स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ये मेमोरी लोकेशन है, उसका पहला आइडेंटिफिकेशन है वेरिएबल का नाम, ठीक है, जो कि है ए या फिर पी। और दूसरी आइडेंटिफिकेशन होती है एड्रेस। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हमें डायरेक्टली पता ही होता है, बट एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एम्परसेंट साइन। तो एम्परसेंट साइन से आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आइडेंटिफाई करके उसको पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम वेरिएबल से एक्सेस कर पा रहे हैं तो फिर हम इतनी माथापोड़ी क्यों कर रहे हैं कि हम एड्रेस निकाल रहे हैं, फिर पॉइंटर बना रहे हैं, फिर उसमें स्टोर करेंगे एड्रेस को, फिर पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे एक टॉपिक आएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी मेमोरी हमने एलोकेट की थी वो थी स्टैटिक मेमोरी। जब आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो अगर मैं आपको रिकॉल करूं एरे में हमने हमेशा साइज खुद से मेंशन किया है कि आप 10 वैल्यू डालो, 20 वैल्यू डालो। अगर आप चाहते हैं कि वो वैल्यू भी यूजर डिसाइड करे, तो उस केस में एरे आप खुद से नहीं बना पाएंगे, आप सिर्फ क्या करोगे, एक पॉइंटर बनाओगे और रन टाइम पर, मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसी टाइम पर मेमोरी एलोकेट होगी। तो उस टाइम पर आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, हमें सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस ही मिलता है, और उस टाइम पर एड्रेस को स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन काम आएगा, पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर के बहुत लिमिटेड यूज है, बट उन लिमिटेड यूज को समझने के लिए आपको पॉइंटर का बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जैसी चीज समझ पाओ। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया ए, उसकी वैल्यू थी 5, वेरिएबल का बेस एड्रेस है 101, पी पॉइंटर बनाया जिसका बेस एड्रेस है 201, और हमने एम परसेंट ए के थ्रू ए वेरिएबल का जो एड्रेस था वो किसको दे दिया, पी पॉइंटर। ठीक है, तो आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल अलग बना, पॉइंटर अलग बना, एंड फिर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमने पॉइंटर को असाइन कर दिया।
ठीक है। तो अब अगर अपन आगे बढ़े तो यहां तक समझने के बाद, अब अगर मैं स्लाइड को देखूं तो मैंने पॉइंटर के बारे में थोड़ा बेसिक बताया, अब हम पॉइंटर अर्थमेटिक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट करना होगा। तो देखो, इसमें एक वेरिएबल बना दिया ए जिसकी वैल्यू है 5, पी पॉइंटर बना दिया, ठीक है। पॉइंटर में हमने ए का एड्रेस स्टोर किया, तो ये दोनों स्टेटमेंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमें ये प्रिंटएफ कैसे काम कर रहा है वो देखना है। तो प्रिंटएफ में ए एक वैल्यू प्रिंट करेगा 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमें देखना है ये जो स्टार पी लिखा है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। तो अब पहले तो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया ए में 5 असाइन, पी पॉइंटर, देन पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब मैं यह कमेंट भी लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा, एम परसेंट इज एड्रेस ऑफ, फिर हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा परसेंट डी ए कॉमा एस्टरिस्क बी, ठीक है। इसको सेव किया और इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखोगे दो बार क्या प्रिंट हुआ है, 5.5। तो ए ने 5 प्रिंट किया। अब आप सोच रहे होंगे ये एस्टरिस्क की क्या चीज है, इसने 5 कैसे प्रिंट कर दिया। तो वापस अपने डायग्राम पर चलते हैं। देखो, अगर मैं सिर्फ पी लिखता तो पी की वैल्यू क्या है, 101। अगर मैं सिर्फ पी लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, 101। अभी प्रिंट क्या हो रहा है, 5। इट मीन्स मैं 101 के थ्रू कहां तक पहुंचा, 5 तक। तो उस तक पहुंचने के लिए हमने एक ऑपरेटर यूज किया है जिसका नाम है एस्टरिस्क, ठीक है। यहां पर अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं ये वाला कमेंट यूज कर रहा हूं ताकि कमेंट में भी स्टार यूज करते हैं वो यूज ना करना पड़े। तो ये जो एस्टरिस्क है इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एट एड्रेस। अब इसको ध्यान से समझो, मैंने लिखा एस्टरिस्क पी, अगर ये होता सिर्फ पी, अगर ये होता सिर्फ पी, तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, 101। तो ये मैंने लिखा 101। अगर मैं सिर्फ पी लिखता तो क्या प्रिंट हो जाता, 101। हमने क्या लिखा हुआ है, एस्टरिस्क पी। अब एस्टरिस्क का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एस्टरिस्क 101, तो एड्रेस क्या है, 101। और इस एस्टरिस्क का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। तो इट मींस 101 एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो 101 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 5। तो इट मींस किसी भी पॉइंटर में जब आप कोई एड्रेस असाइन करते हैं, पॉइंटर में जब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं, तो आप उस पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे और उसके लिए हमेशा क्या लिखना होगा, एस्टरिस्क एंड देन पॉइंटर का नाम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर हम सिर्फ पी लिखते तो एक एड्रेस आता, अगर एस्टरिस्क पी लिखा है तो एक वैल्यू आई। अब मैं आपको ये अलग अलग करके बताता हूं, ठीक है। तो यहां से परसेंट डी हटा देते हैं, बैक स्लैश एन परसेंट डी वैल्यू ऑफ ए। तो इस प्रिंट एफ में हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए, इसको कट करते हैं, ऊपर डाल देते हैं इसे। फिर एक और प्रिंट एफ लिखा, फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ पी। तो वैल्यू ऑफ पी प्रिंट कराना है, मतलब एक एड्रेस। तो अब ध्यान रखिएगा, एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट पी। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है तो परसेंट पी लिखोगे। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ पी, ठीक। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस है अगेन परसेंट पी। फिर मैंने लिखा एम परसेंट ए, क्योंकि एड्रेस प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करना है, एम परसेंट, जो कि हमने यहाँ यूज किया था। तो अगर मैं एड्रेस ऑफ ए लिखूंगा तो ए का एड्रेस प्रिंट होगा, और सिर्फ ए लिखूंगा तो ए की वैल्यू, पी लिखा तो पी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब मुझे पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो फिर मैं एस्टरिस्क यूज करूंगा, वैल्यू ऑफ ए थ्रू पी। तो आप क्या लिखोगे, एस्टरिस्क पी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, अगर सिर्फ पी लिखते हैं तो एड्रेस आएगा, एस्टरिस्क पी लिखते हैं तो पी के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, ऐसे आप इसको याद रख सकते। तो अब इसको सेव किया
और अब इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अब एड्रेस 101 प्रिंट नहीं होगा, एड्रेस कुछ और आएगा। देखो वैल्यू ऑफ ए 5, वैल्यू ऑफ पी ये एड्रेस है 22FE44, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। और वैल्यू सॉरी एड्रेस ऑफ ए देखो ये है 22FE44, दोनों सेम है। ए का एड्रेस डायरेक्टली प्रिंट किया और पी प्रिंट किया, एक ही बात है, क्योंकि पी में हम ऑलरेडी क्या स्टोर कर चुके हैं, ए का एड्रेस। पी में ऑलरेडी ए का एड्रेस है और ए का एड्रेस डायरेक्टली भी प्रिंट किया, तो दोनों वैल्यू सेम। देन वैल्यू ऑफ ए थ्रू पी, तो हमने एस्टरिस्क पी यूज किया, तो एस्टरिस्क पी क्या कर रहा है, ए की वैल्यू तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली ये जो स्टार हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। तो अगर आपके पास कोई एड्रेस है और उसके आगे आपने स्टार लगा दिया तो उस एड्रेस की वैल्यू तक आप पहुंच जाओगे। तो आई होप कि अब आपको ये पॉइंटर का जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। परसेंट पी एड्रेस प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं और परसेंट डी वैल्यू प्रिंट कराने। और फिर भी अगर आप डाउट हो तो मैंने अपनी डिटेल्स आपसे शेयर की हुई है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा पॉइंटर डिफरेंट टॉपिक है तो हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ डाउट्स हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, तो ये दो स्टेटमेंट तो सेम है, हमने एक नया स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है, और प्रिंट एफ सेम। अब देखते हैं क्या होता है, तो अपने कोड पर चलते हैं। तो यहां पर एक लाइन और ऐड करते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस एस्टरिस्क पी, और हमें दो चीजें प्रिंट करानी है, तो मैं अभी इनको कमेंट कर रहा हूं, इन्हें हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए और पी को प्रिंट, एस्टरिस्क पी को प्रिंट कराएंगे। तो अब देखो ए की करंट वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, और एस्टरिस्क पी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पी के पास ए का एड्रेस है और एस्टरिस्क क्या करेगा, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो दे देगा। तो पी के पास एड्रेस है ए का, तो वैल्यू भी किसकी मिलेगी, ए की। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5 और ए की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो ए तो 10 प्रिंट करेगा। अब आप कहोगे एस्टरिस्क पी क्या प्रिंट करेगा, तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, ए भी 10 है और पी भी 10 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए 10 है वो तो ठीक है, बट पी 10 कैसे हो गया, पी तो 5 था, एस्टरिस्क पी तो 5 प्रिंट कर रहा था, बट वो 10 कैसे हुआ। तो वापस चलते हैं डायग्राम पर। देखो ये करंट सिचुएशन है, ए में 5, ए का जो एड्रेस है वो पी के पास है। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो था ए इक्वल्स टू ए प्लस एस्टरिस्क पी। तो यहां पर ए ने दिया 5 प्लस, अगर एस्टरिस्क पी को लिखें तो ये था स्टार और 101। तो स्टार 101 की करंट वैल्यू क्या है, 101 की करंट वैल्यू क्या है, 5। तो 5 प्लस ये जो लिखा हुआ है ये क्या देगा आपको, 5, क्योंकि 101 की करंट वैल्यू क्या है, 5। तो 5 प्लस 5 10, और 10 किस में असाइन हो गया, ए। तो ए की नई वैल्यू क्या हो गई अब, 5 से हटकर 10। तो जब ए में 10 है तो 101 की वैल्यू भी क्या हो गई, 10, ठीक। अब जब हमने ए को प्रिंट किया तो ए ने प्रिंट करवा दिया 10। जब हमने एस्टरिस्क पी को प्रिंट करना चाहा तो ये वापस से क्या बनेगा, एस्टरिस्क पी का मतलब हमेशा क्या है, एस्टरिस्क, और पी में जो एड्रेस है वो, पी में एड्रेस क्या है, 101 ही है। तो हमें एस्टरिस्क 101 को सॉल्व करना है, मतलब वैल्यू एट 101। तो अब देखो 101 की करंट वैल्यू क्या है, 101 की करंट वैल्यू क्या हो चुकी है, 10। 5 लॉस्ट हो चुका है, 5 इरेज हो चुका है, और उसकी वैल्यू करंट क्या हो चुकी है, 10। तो इट मींस जो एस्टरिस्क पी है वो अब अपडेटेड वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर ए अपनी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, ए अगर अपनी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है तो ए का जो एड्रेस है वो मॉडिफाइड वैल्यू ही तो यूज करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ए में तो 10 है बट 101 में अभी भी 5 है, नो, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो इट मींस अगर वेरिएबल में आप कोई भी चेंजेस करते हैं उसके नेम के थ्रू तो एड्रेस भी मॉडिफाइड वैल्यू को ही यूज करेगा। तो इस वजह से जब हमने एस्टरिस्क पी लिखा तो पी ने 101 की जो वैल्यू थी उसको फेच किया, तो 101 की करंट वैल्यू क्या हो चुकी है, 10। तो इसलिए दोनों केसेस में जो आउटपुट आए वो 10-10 है, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर भी दो स्टेटमेंट सेम है शुरू के, बट अब लिखा है एस्टरिस्क पी इक्वल्स टू एस्टरिस्क पी प्लस ए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं,
जिसमें देखना हम जो मेमोरी लोकेशन है उसको वेरिएबल के नेम के थ्रू मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम उसको उसके एड्रेस के थ्रू मॉडिफाई करेंगे। तो अगेन अब आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लोकेशन उसके एड्रेस के थ्रू मॉडिफाई होती है तो वेरिएबल का जो नेम है वो भी क्या यूज करेगा, मॉडिफाइड वैल्यू को ही यूज करेगा। तो अब हमें ये सॉल्व करना है, तो अब इसको पहले रन करा लेते हैं। तो रन कराएंगे तो अगेन आप देखोगे कि आउटपुट में 10 ही आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एस्ट्रिस्क पी मतलब एस्ट्रिस्क 101, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो एस्ट्रिस्क वी का मतलब है एस्ट्रिस्क 101, तो 101 की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 प्लस ए भी कितना है, 5 प्लस 5 10। 10 कहां पर जाएगा, एस्ट्रिस्क पी के पास। एस्ट्रिस्क पी का मतलब क्या है, एस्ट्रिस्क 101, मतलब 10 किस में स्टोर हो जाएगा, 101 की वैल्यू में। तो 101 की वैल्यू अभी क्या है, 5 हट जाएगा और अभी क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो जब आप एस्ट्रिस्क पी से कुछ भी प्रिंट करेंगे तो ये 10 प्रिंट करेगा। अब बात आती है कि ए क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब आप देखो 101 की वैल्यू 10 है, तो ए की करंट वैल्यू क्या है, 10, क्योंकि 5 तो इरेज हो चुका है। तो अभी हमने इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंटर के थ्रू मॉडिफाई किया, तो वेरिएबल का जो नेम है वो मॉडिफाइड वैल्यू को ही यूज करेगा, इसीलिए दोनों केस में जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 10। तो आई होप कि अब आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया कि आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली और डायग्राम के थ्रू ये चीजें समझा पाऊं, बट अगर फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो हमने ये दो पॉइंट कवर कर लिए, अब मैं आपको एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर। तो अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं और पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। इन्हें तो हटा देते हैं, अब ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी और ये आप प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। देखो ए में 5, पी पॉइंटर बनाया, पी के पास एक एड्रेस है और मैंने एस्ट्रिस्क पी में 1 ऐड कर दिया। तो अब अपन अगर ए और एस्ट्रिस्क पी को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, अगर आपने आउटपुट निकाला 6 और 6, तो आप सही हैं, आपको चीजें समझ में आ गई, अदरवाइज कहीं ना कहीं डाउट है, ठीक है। तो 6 क्यों आया, क्योंकि एस्ट्रिस्क पी ए की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ए में 5 है, 5 प्लस 1 6, तो ये ए वाले एड्रेस पर 6 असाइन करेगा। तो जब ए के एड्रेस की वैल्यू 6 हो गई तो ए भी क्या प्रिंट करेगा, 6 ही प्रिंट करेगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएंगे, 2 बार 6। तो इट मींस आप वेरिएबल के एड्रेस को जब पॉइंटर में असाइन कर देते हैं तो आप पॉइंटर के थ्रू उस फिर वेरिएबल की जो लोकेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर। तो वेरिएबल ये ए में 5, बी में 10 और सी, ठीक है। अब चाहो तो पॉइंटर भी यही बना सकते हो, एस्ट्रिस्क पी 1, एस्ट्रिस्क पी 2 एंड एस्ट्रिस्क पी 3, ठीक है। फिर लिखा पी 1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, पी 2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी, पी 3 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ। अब P1 के पास A का एड्रेस है, P2 के पास B का, P3 के पास C का एड्रेस है, ठीक है। इट मींस हम P1, P2, P3 के थ्रू A, B, C की जो मेमोरी लोकेशन है वो रेस्पेक्टिवली एक्सेस भी कर सकते हैं वैल्यूज को और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एस्टरिस्क P3 इक्वल्स टू एस्टरिस्क P1 प्लस एस्टरिस्क P2। तो जब हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर कुछ भी लिखते हैं तो वो वैल्यू फैच करता है, एक्सेस करता है। तो एस्ट्रिस्क P1 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन P1। तो P1 में किसका एड्रेस है, A का, तो वैल्यू भी किसकी आएगी, A की, तो क्या मिलेगा, 5। देन एस्ट्रिस्क P2, एस्ट्रिस्क मतलब वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस किसका, जो P में स्टोर्ड है, P2 में स्टोर्ड है, P2 में किसका एड्रेस है, B का, और उसकी वैल्यू क्या है, 10। तो एस्ट्रिस्क P1 A की वैल्यू निकालेगा,
एस्ट्रिस्क पी टू बी की वैल्यू निकालेगा, दोनों को ऐड करेंगे और किसको असाइन कर देंगे, एस्ट्रिस्क पी थ्री। एस्ट्रिस्क पी थ्री के पास किसका एड्रेस है, सी का, तो वैल्यू किसमें पहुंच जाएगी, सी में। अब देखो मैं पी वन पी टू पी थ्री को प्रिंट नहीं करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा सी को, सम इक्वल्स टू परसेंट डी सी। तो अब देखो इनपुट एबीसी इनके थ्रू लिया, फिर हमने एड्रेस असाइन किए, कैलकुलेशन हम सिर्फ पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, बट प्रिंट में किसको कर रहा हूँ, सी को। सी में डायरेक्टली मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, वो किसके थ्रू असाइन हो रहा है, एस्ट्रिस्क पी थ्री के थ्रू। तो जब मैं इसको रन करके और आपको आउटपुट शो करूंगा तो आपके सामने 15 प्रिंट होगा, सम इक्वल्स टू 15। तो हमने वेरिएबल को डायरेक्टली मैनेज नहीं किया, उसके एड्रेस के थ्रू पॉइंटर की हेल्प से उसको मैनेज कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर, तो स्वैपिंग भी परफॉर्म करा लेते हैं। तो स्वैपिंग में ये जो एडिशन वाला स्टेटमेंट है ये हट जाएगा। P1, P2, P3 के पास ABC तीन वेरिएबल्स हैं, उनके एड्रेस हैं। तो अब स्वैपिंग कराते हैं, तो अपन स्वैपिंग के लिए यूज करते हैं विदाउट थर्ड पॉइंटर वाला लॉजिक। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बट यूजिंग पॉइंटर। तो देखो A और B की वैल्यू स्वैप होंगी पॉइंटर के थ्रू, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, तो हमने A और B में 5, 10 असाइन किया, दो पॉइंटर बनाए, पॉइंटर्स में A और B के एड्रेस हैं। तो अब लिख रहे हैं, अब देखो नॉर्मल लॉजिक अगर आप देखोगे तो वो होता है A इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, तो अब आप इसको चेंज कैसे करोगे, एस्ट्रिस्क P1, क्योंकि A की वैल्यू किसके थ्रू मिलेगी, P1 पॉइंटर के थ्रू, तो आपको एस्ट्रिस्क P1 लिखना है। देन अगेन एस्ट्रिस्क P1 प्लस एस्ट्रिस्क P2, B की वैल्यू के लिए क्या लिख दोगे, एस्ट्रिस्क P2, तो इसको हटा दिया। अब अगला स्टेटमेंट होता है A इक्वल्स टू, पहला स्टेटमेंट था A इक्वल्स टू A प्लस B, दूसरा स्टेटमेंट लिखा B इक्वल्स टू A माइनस B, और फिर लिखा A इक्वल्स टू A माइनस B। तो 5 प्लस 10 या 15 आएगा, 15 माइनस 10 या 5, एंड 15 माइनस 10 यहाँ पर 5। ठीक है, तो अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिस्क P2 इक्वल्स टू एस्ट्रिस्क P1 माइनस एस्ट्रिस्क P2, एंड थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा एस्ट्रिस्क P1 इक्वल्स टू एस्ट्रिस्क P1 माइनस एस्ट्रिस्क P2, और ये ऊपर वाली लाइन है रिमूव कर दो। अब यहां पर प्रिंट करा दो A इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा B इक्वल्स टू परसेंट डी A कॉमा B। तो देखो स्वैपिंग का जो लॉजिक है उसके लिए हमने यूज किया हुआ है P1 P2 पॉइंटर्स को। स्वैपिंग के लॉजिक में A B कहीं भी यूज नहीं किया, बट हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, A और B को। तो आप देखोगे कि पॉइंटर्स के थ्रू हमने A और B वेरिएबल्स को एक्सेस करके मॉडिफाई भी कर दिया। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तो मॉडिफाई किया, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिखा तो वैल्यू फेच की। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे ए प्रिंट कर रहा है 10 और बी 5, और यहां देख सकते हो इनिशियली ए 5 था और बी 10। ठीक है, तो पॉइंटर के थ्रू हमने वैल्यूज को मॉडिफाई कर दिया। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर, तो वो भी बहुत सिंपल है। ये डायग्राम है A, P एंड Q, तो A वेरिएबल होगा, P पॉइंटर होगा और Q पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। तो बेसिकली पॉइंटर टू पॉइंटर करता क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है कि पॉइंटर का एड्रेस अगर आपको स्टोर करना है तो पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो उसको भी बना लेते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हमने A वेरिएबल बनाया, इसमें 5, पॉइंटर P, पॉइंटर टू पॉइंटर Q। तो जब पॉइंटर टू पॉइंटर बनाओगे तो उसमें दो स्टार यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P तो पॉइंटर है और Q पॉइंटर टू पॉइंटर है। तो P इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A लिख सकते हैं, तो P पॉइंटर है तो वो एक वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, और Q किसका एड्रेस होल्ड करेगा, P पॉइंटर का। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं A का एड्रेस है 101 वैल्यू 5, P का वैल्यू है 101 एड्रेस 201, और P का जो एड्रेस है 201 वो Q की वैल्यू 1 और Q का एड्रेस है 301।
तो इस तरीके से ये हायरार्की कितने भी डेप्थ तक जा सकती है। आपको अगर पॉइंटर टू पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो आप पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर आर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और आर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ क्यू, ठीक है, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये टू लेवल तक ही आपको मोस्टली यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम वैल्यूज प्रिंट कराएं, ए परसेंट डी कॉमा परसेंट डी कॉमा परसेंट डी, तो ए लिखेंगे तो 5 आएगा, एस्ट्रिस्क पी एंड एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क क्यू, तो ये बेसिकली जो एस्ट्रिस्क हम लिखते हैं ये वैल्यू एट एड्रेस निकालता है और इसको बेसिकली बोलते हैं डी रेफरेंस करना। तो यहां पर हम ए का एड्रेस पी के अंदर असाइन कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और जब एस्ट्रिस्क क्यू सॉरी एस्ट्रिस्क पी या डबल एस्ट्रिस्क क्यू लिखा तो ये हो जाएगा डी रेफरेंस करना। तो एस्ट्रिस्क पी तो शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस कौन सा जो पी में स्टोर्ड है, तो उस एड्रेस की वैल्यू। तो अगर अपन इस डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम में देखो पी में एड्रेस क्या है 101 और इसकी वैल्यू क्या है 5, जबकि एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क क्यू में दो बार करना पड़ेगा ये काम। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क क्यू, तो अगर अपने पास में क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू की वैल्यू क्या है 201, तो यहां लिख दिया 201। अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है पहले उसको सॉल्व करो, एस्ट्रिस्क 201 मतलब वैल्यू एट 201, तो वैल्यू एट 201 क्या हुआ 101, तो उसको सॉल्व किया तो ये देगा आपको 101, मतलब एस्ट्रिस्क 201 हट गया और उसके क्या आ गया 101, और अब एक स्टार बचा तो एस्ट्रिस्क 101 मतलब वैल्यू एट 101, तो वैल्यू एट 101 कितना है 5। तो इट मींस कि जब आप एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क क्यू लिखेंगे तो वो भी आपको क्या देगा 5। तो इसका मतलब जब मैं इसको रन करूंगा तो तीन बार क्या प्रिंट होना चाहिए 5, ये आप देख सकते हो 5.5.5, ए ने भी 5 प्रिंट किया, एस्ट्रिस्क पी ने भी 5 प्रिंट किया और एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क क्यू ने भी 5 को प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में असाइन करो, पॉइंटर का एड्रेस पॉइंटर टू पॉइंटर में असाइन करो और फिर किसी भी लोकेशन को आप मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर की। तो आपके पास अगर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं और आप चाहते हैं कि उन सबके एड्रेसेस एक ही पॉइंटर में स्टोर हो जाए तो आप उस पॉइंटर को एरे ऑफ पॉइंटर बना सकते हो। तो अब इसको समझ लेते हैं, तो अब ये अपने पास में वेरिएबल्स बने A5, B6, E7, ठीक है, ये तो वेरिएबल हो गए, और एक पॉइंटर बना देता हूं जिसको हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर। तो एरे आपने अच्छे से पढ़ा हुआ ही है ऑलरेडी, तो हमने इंटीजर एरे बनाया, फ्लोट एरे बनाया, हमने कैरेक्टर एरे बनाया। अभी मैं यहाँ पर एक एरे ऑफ पॉइंटर बना रहा हूँ क्योंकि हमने एस्ट्रिस्क यूज किया है, इसलिए ये एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। अब वैल्यू स्टोर कराना है तो क्या लिखोगे, P0 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी एंड P2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी। तो देखो P के पास सारे एड्रेस आ गए, तब आप P पॉइंटर के थ्रू A, B, C इनकी वैल्यूज को प्रोसेस करा सकते हैं। अब एक लूप चलाते हैं, I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस, ठीक है, और अपन सम करा लेते हैं, S इक्वल्स टू S प्लस एस्टरिस्क P ऑफ I। तो देखो P0 के पास किसका एड्रेस होगा, A का, उसको डी रेफरेंस किया, एस्ट्रिस्क लगा के उसकी वैल्यू निकाली और उसको एस में ऐड करा दिया, तब यहाँ पर आई और एस डिक्लेयर करा देते हैं। लूप खत्म होने के बाद हम एस की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, सम इक्वल्स टू परसेंट डी एस, ठीक है। तो 5, 6, 7 इनको 5, 6, 7 को ऐड करेंगे तो 6 + 5 = 11 + 7 = 18, तो आउटपुट में 18 आना चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो एडिशन ऑपरेशन है वो एक ही एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू सॉल्व कर दिया, हमें बार बार वेरिएबल्स को लिखने की जरूरत नहीं है, एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। देखो 18 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम पॉइंटर्स का भी एरे बना सकते हैं,
अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो अब वॉइड पॉइंटर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाया ए, पॉइंटर बना दिया पी, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाया फ्लोट। अब आपने देखा होगा अभी तक मैंने सारे इंटीजर वेरिएबल और पॉइंटर बनाए थे, बट आप अगर फ्लोट वेरिएबल है तो आपको पॉइंटर फ्लोट टाइप का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम उसका एड्रेस स्टोर कर पाए। तो इससे क्या होता है कि आपके जितने टाइप के वेरिएबल है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, अलग अलग वेरिएबल है, तो उतने ही पॉइंटर आपको बनाने पड़ रहे हैं। तो वॉइड पॉइंटर क्या करता है, वॉइड पॉइंटर कहता है कि आप अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग पॉइंटर मत बनाओ, आप सिर्फ एक पॉइंटर ही बना दो, और जिस टाइप की वैल्यू आप उसमें, सॉरी, जिस वेरिएबल का एड्रेस आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं वो करेगा, बट वैल्यू प्रोसेस करते टाइम आप टाइप कास्ट कर लीजिए जिससे आपको प्रॉपर आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो अब वो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर ना बनाकर एक पॉइंटर बना देते हैं, void pointer p, ठीक है। अब देखो p में मैंने स्टोर किया एड्रेस ऑफ a, e में मैंने स्टोर किया एड्रेस ऑफ a, और जब भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं तो वो बेस एड्रेस लेता है, बिगिनिंग एड्रेस, उसको नहीं पता कि आगे कितने एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो वो चीज पता चलती है पॉइंटर के टाइप से। तो अगर इंटीजर पॉइंटर है तो वो 2 या 4 बाइट को प्रोसेस करेगा एज पर कंपाइलर वर्जन, लाइक 16-bit और 32-bit। अगर फ्लोट पॉइंटर है तो वो 4 byte, अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो वो 1 byte को प्रोसेस करेगा। तो ये पॉइंटर के टाइप पे डिपेंड करता है, बट अभी पॉइंटर का टाइप क्या है, वॉइड, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, ये जेनेरिक टाइप है। तो जब हम पी पॉइंटर के थ्रू ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमें टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है वो देखते हैं। मैं लिखा परसेंट डी, तो यहां मैं लिख रहा हूं ए इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा। अब देखो हमें p को प्रिंट कराना है तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, एस्टरिस्क p, ठीक है, बट हमें बताना पड़ेगा कि p का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि p अभी void टाइप का है, p को नहीं पता कि मैं किस टाइप का पॉइंटर हूं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर पॉइंटर, ठीक है, और एक और ब्रैकेट लगा दो, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो p एक पॉइंटर है जिसको हमने किसमें टाइप कास्ट किया, इंटीजर पॉइंटर में, एंड फिर हमने इस स्टार के थ्रू उसकी वैल्यू को फैच कर लिया। तो ये जो int asterisk लिखा है ये बता रहा है कि p आप इंटीजर टाइप के पॉइंटर हो, ठीक है। अब अगर आगे चले, हमने लिखा p equals to address of b, तो अब p के पास किसका एड्रेस है, अभी p के पास किसका एड्रेस है, b वेरिएबल का, और b वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो अब हमें p को फिर से बताना पड़ेगा कि आप फ्लोट टाइप के पॉइंटर हो ताकि आप फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू को प्रॉपरली प्रिंट कर पाओ। तो आप इसको कॉपी करो और यहां पर लिखोगे b इक्वल्स टू परसेंट f, और अब आपको यहाँ डेटा टाइप क्या लिखना है, फ्लोट। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि p पॉइंटर को एक बार डिक्लेयर किया void, और void पॉइंटर a वेरिएबल का एड्रेस भी होल्ड करके प्रोसेस कर देगा, और p पॉइंटर b वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके प्रोसेस कर देगा, प्रोवाइडेड आपको जब भी उसको प्रोसेस करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का पॉइंटर है, मतलब किस टाइप की वैल्यू को उसे प्रोसेस करना है। तो अब देखिएगा पॉइंटर के थ्रू जो वैल्यूज हमने असाइन किए वो प्रिंट हो जाएंगे। a प्रिंट कर, a की वैल्यू प्रिंट हुई 5 और b की वैल्यू प्रिंट हो गई 5.5, जबकि हमने प्रिंटिंग के टाइम पर प्रिंट एफ में कहीं भी a और b को यूज नहीं किया, हमने ए और बी के एड्रेसेस पी पॉइंटर में असाइन करके उसको टाइप कास्ट करके प्रिंट करा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक एक करके मैंने सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए। तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक पॉइंटर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंटर ऑलवेज होल्ड एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। पॉइंटर ओनली स्टोर्स बेस एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक वेरिएबल को 2 byte, 4 byte, 1 byte कितनी भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स डेटा टाइप, बट पॉइंटर हमेशा किसको स्टोर करता है, उसके बेस एड्रेस, बिगिनिंग एड्रेस को, ठीक है। देन वी कैन डिक्लेयर एनी टाइप ऑफ पॉइंटर, सॉरी वी कैन डिक्लेयर पॉइंटर ऑफ एनी डेटा टाइप, जो मैंने पहले बोला वो भी सही था कि हम पॉइंटर किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर पॉइंटर,
फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट पॉइंटर, और अगर आपको एक कॉमन पॉइंटर बनाना है जैसा अभी मैंने वॉइड पॉइंटर बना के आपको बताया था, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट उस केस में आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है कि वॉइड पॉइंटर के अंदर जो वेरिएबल का एड्रेस है वो इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, वो हमें बताना पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट कहता है पॉइंटर डी रेफरेंसेज एन एड्रेस अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप। तो आप देखो जो सेकेंड पॉइंट था वो बोलता है कि पॉइंटर को बेस एड्रेस मिला, तो पॉइंटर को कैसे पता चला कि उसको कितने बाइट से वैल्यू लेकर आनी है, तो वो पॉइंटर किसके थ्रू पता लगाता है, खुद के डेटा टाइप के थ्रू। तो इसीलिए जो हमने अभी वॉइड पॉइंटर यूज किया था, तो हमने जब बताया कि इंटीजर पॉइंटर है पी, इंटीजर पॉइंटर है, तो पी के पास तो बिगिनिंग एड्रेस था, तो पी ने कितने बाइट से वैल्यू उठाई वो कैसे पता चला कि वो जब इंटीजर टाइप का बना कि इंटीजर को 16 बिट पे 2 बाइट मिलते हैं तो 2 एड्रेस से वैल्यू उठाओ, 32 बिट पर 4 बाइट मिलते हैं तो 4 बाइट से एड्रेस उठाओ, और फ्लोट को हमेशा 4 बाइट ही मिलते हैं तो 4 एड्रेसेस के थ्रू वैल्यू उठाओ। तो इसलिए पॉइंटर का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपसे कोई पूछता है कि क्या हम अलग अलग टाइप के पॉइंटर बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। पूछेगा क्यों, तो आप बोलेंगे कि पॉइंटर को हमेशा बिगिनिंग या बेस एड्रेस मिलता है, तो पॉइंटर कितने बाइट्स डी रेफरेंस करे या कितने बाइट से वैल्यू फैच करे वो कैसे पता चलेगा, तो वो पॉइंटर अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें लिखा है पॉइंटर डी रेफरेंसेज एन एड्रेस अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप, दिस इज द रीजन वी हैव टू डिक्लेयर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर। तो ये इस तरीके से एक एक करके सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब पॉइंटर पर एक और वीडियो आपको मिलेगा जो कि लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम पॉइंटर को एरे स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे, तो वो वीडियो भी जरूर से देखिएगा। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि आप वीडियो सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, तो कंप्लीट सीरीज को देखिएगा ताकि अगर आप बिगिनर है तो आपको सी प्रोग्रामिंग समझ में आए और प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। So thank you for watching this video.